बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी ही इसी शर्त पर की है कि वह शादी के बाद भी काम करेंगी, जैसे करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ। लेकिन ऐसे बहुत ही हीरोइने भी रही हैं जिन्हें शादी के लिए टॉप का करियर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनके पतियों ने इन्हें साफ साफ कह दिया था कि शादी करनी है तो घर बैठो, और इन हीरोइनों ने ऐसा किया भी। चलिए आपको बताते हैं उन्हीं हीरोइनों के बारे में जिन्होंने फैमिली और पति के लिए अपना करियर छोड़ दिया। ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की तो शर्त ही यही थी, वह शादी के बाद ट्विंकल खन्ना से फिल्मों में काम नहीं करवाएंगे, और ट्विंकल ने शर्त मान भी ली। हालांकि ट्विंकल लेखिका बन गई और अपने माँ के साथ कैंडल का बिजनेस भी कर रही है। आसीन जो कि आमिर खान के गजनी मूवी में दिखी थी, उसके बाद वह सलमान के साथ मूवी रेडी और बोल बच्चन में नजर आई थी। आसीन साउथ की भी फेमस एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन बिजनेसमैन पति राहुल शर्मा के साथ शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह फिल्मों से संन्यास ले लिया और अमेरिका में फैमिली के साथ सेटल हो गई। आयशा टाकिया ने फिल्म टार्जन से शुरुआत की और बाद में वह सलमान खान के साथ फिल्म वॉन्टेड में दिखी। उनकी क्यूट स्माइल फैंस को काफी पसंद थी, लेकिन शादी के बाद आयशा ने इंडस्ट्री छोड़ दी और हाउसवाइफ बन गई। उन्होंने फरहान आजमी से शादी की और मुंबई में ही सेटल हो गई। नम्रता सिरोटकर ने बॉलीवुड के साथ साउथ की कई फिल्में की, लेकिन जैसे ही उन्होंने शादी की फिल्मों से संन्यास लिया, दरअसल उन्होंने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू से शादी की थी, जिसके बाद वह फिल्मों में नजर नहीं आई। मीनाक्षी, जिसे लोग दामिनी भी कहते हैं, इन्होंने काफी टाइम पहले फिल्मों में काम किया और एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन अचानक ही खबर आई कि मीनाक्षी शादी करके भारत छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कहा जाता है कि मीनाक्षी को किसी बात का डर था, इसलिए वो रातों रात गायब हो गई थी। बबीता कपूर और मुमताज भी ऐसी ही अभिनेत्रियां थीं जिन्होंने शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि बबीता तो काम करना चाहती थी, लेकिन कपूर खानदान की परंपरा के चलते ऐसा कर नहीं पाई। वहीं मुमताज ने अपनी मर्जी से इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया था। वहीं बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर, जो कि बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दे चुकी थी, लेकिन शादी के बाद ब्रेक कर रही और जब तलाक के बाद वह आई तो उन्हें वो फेम नहीं मिला। हालांकि काजोल, शिल्पा शेट्टी, इन्होंने भी शादी के बाद लंबा ब्रेक लिया, लेकिन बाद में एंट्री की, लेकिन करियर को पहले जैसी उड़ान नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को शादी के बाद परिवार और बच्चों को संभालने के लिए करियर का ब्रेक लगा देना चाहिए या फिर खुद की पहचान बनाए रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।